Hi guys, I am Sekhar Madhukar. You are welcome to my channel SM English Classes. Friends, जैसे कि आपको पता है कि हमने idioms की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने एक सेशन कंप्लीट कर लिया है. दोस्तों, हम हर सेशन में 10 idioms को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं. आज हम इस सेशन में 10 idioms फिर से सीखने वाले हैं. आइए पहले idiom की बात करते हैं. दोस्तों, लिखा हुआ है as fit as a fiddle. ये हमारा पहला idiom है, as fit as a fiddle. दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ idioms में होता क्या है. सबसे अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको idioms को याद रखने की, कि idioms के अंदर आपको कुछ keywords दिखाई देते हैं. उन keywords का अगर आपको मीनिंग पता होता है तो समझो आपको पूरे idiom का मीनिंग पता चल जाता है बड़ी ही आसानी से. आइए समझते हैं. जैसे कि आपने इसमें keyword देखा fiddle. अगर हमें fiddle समझ में आ जाता है तो समझो ये पूरा idiom हमें समझ में आ जाएगा. As fit as a fiddle, यानी कि फिट होने की बात कर रहा है, लेकिन फिट उतना फिट जितना एक फिडल होता है. फिडल होता है दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट, गिटार जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिक क्रिएट करता है. दोस्तों, आपको पता है जब भी कोई गिटार अगर सही होता है, यानी कि उसकी जो तार होते हैं अगर वो सही काम कर रहे होते तो उसकी ट्यून भी अच्छी आती है. इसी प्रकार से एज फिट एज अ फिडल, यानी कि जब कोई इंसान हेल्दी होता है तो उसकी ट्यून भी अच्छी रहती है. एज फिट एज अ फिडल का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स, कंप्लीटली हेल्दी. As fit as a fiddle का मतलब हुआ completely healthy, पूरी तरीके से स्वस्थ. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. दोस्तों, लिखा हुआ है earlier he was very ill, पहले वह बहुत बीमार था, but now he is as fit as a fiddle. Earlier he was very ill, but now he is as fit as a fiddle. वह इतना तंदुरुस्त जैसे एक fiddle होता है. आइए अगले idiom की बात कर लेते हैं. दोस्तों, अगला idiom हमारा at one's wit's end. आप देख सकते हो इसमें जो हमारा keyword है वो है wit. अगर wit को समझा जाए तो wit का मतलब होता है हिंदी में बुद्धि, जिसको आप कहते हो आपकी इंटेलिजेंस जो होती है. आपको पता है अगर आपकी इंटेलिजेंस एंड पर है, यानी कि वो काम नहीं कर रही, और at one's wit's end, once का मतलब हुआ किसी की भी, जब किसी की बुद्धि काम नहीं करती, वो एक ही सिचुएशन होती है जब वो कंफ्यूज्ड होता है या फिर हम कहें परप्लेक्स्ड होता है. तो इस idiom का मतलब होता है दोस्तों परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड. इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं फ्रेंड्स. लिखा हुआ है शी वॉज एट हर विट्स एंड. शी वॉज एट हर विट्स एंड, यानी कि वो काफी कंफ्यूज्ड थी. शी वॉज एट हर विट्स एंड टू सी हर मदर डेड. अपनी माँ को मरा हुआ देख करके वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थी, पजल्ड थी या परप्लेक्स्ड थी. आइए अगले idiom की बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है फ्रेंड्स बेल द कैट. अब आपको पता है बेल का मतलब होता है दोस्तों घंटी, और कैट का मतलब होता है बिल्ली, यानी कि बिल्ली के घंटी बांधना. और आपको पता ही है अगर बिल्ली की घंटी बांधने जाओगे तो कितने बड़े रिस्क की बात है, बिल्ली कुछ भी कर सकती है. तो बेल द कैट का मीनिंग तैयार हुआ टू टेक रिस्क, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं मुसीबत मोल लेना. आ गया होगा फ्रेंड समझ में. आइए इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है नोबडी हैज द करेज, किसी में हिम्मत नहीं होती टू बेल द कैट, यानी कि मुसीबत मोल लेने की किसी में हिम्मत नहीं होती, रिस्क लेने की किसी में हिम्मत नहीं होती. नेक्स्ट idiom दिया है दोस्तों हमारे सामने, लिखा हुआ है बैरी द हैचेट. इसमें भी कीवर्ड हमें दिखाई पड़ा हैचेट. अगर हैचेट को समझा जाए तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स एक्स. एक्स का मतलब होता है कुलाड़ी, और बैरी का मतलब होता है दफनाना. अब आपको पता है जब आपने कुलाड़ी को दफना दिया, गाड़ दिया उसको, यानी कि होने वाला जो झगड़ा था आपने उसको खत्म कर दिया. आइए तो इसका मीनिंग तैयार हुआ टू एंड अ क्वारल, यानी कि जो भी झगड़ा चल रहा था उसको खत्म कर देना, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टू मेक पीस. इन दोनों का मतलब एक ही है. इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. लिखा हुआ है दोस्तों नथिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम अ क्वारल, यानी कि झगड़े से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता. वी शुड बैरी द हैचेट, हमें उसको खत्म कर देना चाहिए, हमें शांति क्रिएट करनी चाहिए. नेक्स्ट idiom लिखा हुआ है दोस्तों आपके सामने बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू. बीट समवन ब्लैक एंड ब्लू, अब इससे आपको आइडिया ही लग जाता है, यानी कि बीट का मतलब हुआ पीटना, समवन मींस किसी को ब्लैक एंड ब्लू. दोस्तों आपको पता है जब कोई व्यक्ति बहुत बुरे तरीके से पीटता है तो शरीर पर काले और नीले
कुछ इस तरीके के क्या हो जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं शरीर पर। तो ऐसा तभी होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा सिवियरली पीट रहे हो। तो इसका मीनिंग भी तैयार हुआ, टू बीट समवन सिवियरली, किसी को बुरे तरीके से पीटना। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दे बीट द थीफ, उन लोगों ने क्या किया, दे बीट द थीफ, उन्होंने चोर की पिटाई की, ब्लैक एंड ब्लू, बहुत ही बुरे तरीके से उसकी पिटाई की। उम्मीद करता हूं ये आपको 5 idiom समझ में आए होंगे। अगले 5 idioms की बात कर लेते हैं, तब तक इसको आप लिख लीजिए। टेक योर टाइम फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो बात कर लेते हैं अगले idiom की, वो आपके सामने लिखा हुआ है, ब्रिंग समवन टू बुक। इससे दोस्तों आपको क्या समझ में आता है, एक बात जरा समझिए। ब्रिंग समवन यानी कि ब्रिंग को मतलब तो होता है लाना, समवन यानी कि किसी को, लेकिन यहां पर ये जो दिया है ना बुक, यहां पर फ्रेंड्स बुक का मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, संविधान से है। जब आप किसी को संविधान तक ले आते हो, उस किताब तक ले आते हो, तो क्या करता है कोर्ट, कोर्ट उसको पनिश करता है। यानी कि इसका मीनिंग तैयार हुआ, टू पनिश समवन, किसी को सजा देना ही होता है, ब्रिंग समवन टू बुक। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, ऑल द क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक। ये मैंने पैसे में एग्जांपल लिया है इसका, ऑल द क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक, यानी कि सारे अपराधियों को सजा दे देनी चाहिए। अगले idiom की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ब्रीद वंस लास्ट। दोस्तों इसको ब्रेथ ना पढ़ें, इसको पढ़ने का जो आप काम करेंगे वो पढ़ेंगे ब्रीद, ब्रीद वंस लास्ट, यानी कि आखिरी सांस लेना। ये तो वैसे ही समझ में आ जाता है, बहुत ही कॉमन है ये idiom। इसका मतलब होता है टू डाई, मरना। देख लेते हैं इसका एग्जांपल, लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ही ब्रीद्ड हिज लास्ट वेयर ही वॉज बॉर्न। ही ब्रीद्ड हिज लास्ट यानी कि उसने अपनी अंतिम सांस ली वेयर ही वॉज बॉर्न, जहां पर वो पैदा हुआ था, जहां पर उसने जन्म लिया था। आइए अगली idiom की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है बैंडी वर्थ। ये idiom काफी अच्छा है दोस्तों, फोकस करें इस पे, जरा समझे इसको। बैंडी वर्ड्स फ्रेंड्स, बैंडी वर्ड्स का मतलब अलग से कुछ नहीं होता, बैंडी वर्ड्स का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा टू आर्ग्यू। बैंडी वर्ड्स का मतलब ही आर्ग्यू होता है, इसमें कोई कीवर्ड नहीं है। बैंडी वर्ड्स का मतलब ही अगर आप डिक्शनरी में सर्च करके देखोगे तो यही निकल के आएगा, बैंडी वर्ड्स का मतलब हुआ आर्ग्यू, बहस करना। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स शुड नॉट बैंडी वर्ड्स, इसको वर्ब की तरह यूज किया जाता है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स शुड नॉट बैंडी वर्ड्स, इसके बाद में जो प्रपोजिशन लगाते हैं विद, स्टूडेंट्स शुड नॉट बैंडी वर्ड्स विद देयर टीचर्स, यानी कि स्टूडेंट्स को अपने टीचरों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। ये जो idiom अगला है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आइए इसको जरा समझने का काम करते हैं। अ डॉग इन द मेंजर, हमें पहले इस कीवर्ड को समझना होगा। मेंजर का मतलब होता है दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा जहां पर हमारी गाय भैंसे जिसमें वो चारा खाती हैं, खाना खाती हैं, जिस बर्तन में, जिसको सीमेंट का जो बना होता है, उसको हिंदी में शायद नाद बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। अब दोस्तों आप समझना, एक कुत्ता अगर मेंजर में जाके बैठ जाए तो क्या करेगा। अब क्योंकि कुत्ता तो घास खाता नहीं, चारा खाता नहीं है, कुत्ता मेंजर में जाके बैठ गया, इसका मतलब ना तो वो खुद खाएगा और ना ही गाय को या भैंस को खाने देगा। यानी कि एक ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं अ डॉग इन द मेंजर। लिखा हुआ है अ पर्सन हु डज नॉट लेट अदर्स एंजॉय, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एंजॉय नहीं करने देता किसी और को, वॉट जो चीज ही हिमसेल्फ कैन नॉट, जो वह खुद इसको एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे हम बोलते हैं बिल्ली खाने नहीं दे, बिल्ली खाएगी नहीं तो खाने भी नहीं देगी, तो उसी तरीके का idiom है, उसी सेंस में इसको यूज किया जाता है, अ डॉग इन द मेंजर। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है आपके सामने, रमेश स्पॉइल्ड आवर गेम। रमेश एक लड़का था, उसने क्या किया, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना, रमेश स्पॉइल्ड आवर गेम, रमेश ने हमारे गेम को बिगाड़ दिया, एंड एवरीवन कॉल्ड हिम अ डॉग इन द मेंजर, और हर किसी ने उसको बुलाया कि ये तो वही बात हुई, ये एक इस तरीके का व्यक्ति है कि ना तो खाएगा, यानी कि ना तो खेलने देगा, ना ही तो खेलेगा और ना ही खेलने देगा। आइए अगली idiom की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है फ्रेंड्स, have an axe to grind। काफी दिलचस्प है और बहुत ही कॉमन idiom है, हर बार
ज्यादातर बार ये idiom अक्सर एग्जाम्स में हमें देखने को मिल जाता है। लिखा हुआ है have an axe to, इसको दोस्तों ग्राइंड पढ़ते हैं, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया अभी, ग्राइंड पढ़ते हैं दोस्तों। ये वर्ड जो बना है ग्राइंडर, आप जानते हो ग्राइंडर, ग्राइंड जो होती है पीसना, ग्राइंडर होता है पीसने वाला जिस पर हम धार लगाते हैं। have an axe to grind का मतलब हुआ टू हैव अ सेल्फिश इंटेंशन, यानी कि अपना स्वार्थ साधना, अपना इंटरेस्ट के लिए जब कोई व्यक्ति काम करता है उसी को बोलते हैं टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। यानी कि हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, कोई इंसान है जिसके पास में एक एक्स है, कुल्हाड़ी है, और वो सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए आपके पास आता है, वरना उसका कोई और मकसद नहीं है। आइए इसका एग्जाम्पल और देख लेते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है सम पीपल आर वेरी सेल्फिश, कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं। दे ऑलवेज कम टू यू, वे आपके पास में सिर्फ तभी आते हैं व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, व्हेन दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जब उनको अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगानी होती है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट idioms है दोस्तों, इनको जरूर प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर, बाय गाइज़।